नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव। और हर रोजाना की तरह आज एक बार फिर दो जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, मथुरा और बांदा से। और साथ ही आपको बता दें मथुरा और बांदा में क्या कुछ चल रहा है और नए साल पर किस तरह की पाबंदियां हैं, नए साल का किस तरह से आगाज हुआ है, ये सभी जानकारियां हम जुटाने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद दोनों जगह से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अब माहौल चुनावी है, तो ऐसे में अगले महीने चुनाव भी होने वाले हैं। चुनाव को लेकर किस तरह की स्थिति है, किस तरह से लोगों के मन में क्या कुछ है और चुनावी रैलियां लगातार हो रही हैं, कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन मुद्दों पर आज जानने की हम कोशिश करेंगे कि बांदा और मथुरा में आखिर इन सभी मुद्दों को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर क्या कुछ तस्वीर वहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि अब चुनाव नज़दीक है, तो वादे जिस तरह से बड़े बड़े किए गए थे, क्या वो सभी वादे पूरे हो पाए हैं या आगे आने वाले समय में पूरे होंगे, जनता आखिर क्या सोचती है, उसके मन में क्या है, ये भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि आज इन दोनों ही जगह के संवाददाताओं से हम इन दोनों ही जगहों का रिपोर्ट कार्ड जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ पर किस तरह का काम हुआ है, कितना वहाँ पर विकास हुआ है, कितना जनता के मन में विश्वास बढ़ा है तमाम राजनीतिक पार्टियों को लेकर, प्रशासन को लेकर। साथ ही ठंड अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया था कि नए साल की शुरुआत जो होगी वो शीतलहर के साथ होगी, ठंड के साथ होगी, तो कहीं ना कहीं अब ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में प्रशासन किस तरह से लोगों की मदद कर रहा है, अलाव की व्यवस्था है या नहीं है, रैन बसेरों की व्यवस्था है या नहीं है, ये भी यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कृष्ण की नगरी, देखिए मथुरा काफी समय से सुर्खियों में थी और पिछले कुछ समय पहले भी हमने देखा था कि काफ़ी सुर्खियों में थी, वो इसलिए कि वहाँ पर जन्मभूमि को लेकर जो विवाद चल रहा था उसको लेकर सुर्खियों में थी। हालांकि अब जो है शांति कहीं ना कहीं बनी हुई है, प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट था। और देखिए दोनों ही जगह से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, मथुरा से पिंटू सिंह और बांदा से पंकज तिवारी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। पंकज और पिंटू, सबसे पहले आप दोनों को ही नए साल की शुभकामनाएं। चलिए पिंटू, शुरुआत आपसे करूंगी मैं। आज मथुरा में देखिए क्या कुछ हलचल है, क्या बड़ी खबर है, किस तरह से नए साल का आगाज हुआ है, बताइए। देखिए अब मथुरा की बात करें, मथुरा बहुत ये मथुरा एक धर्म की नगरी है, जी अब मथुरा की बात करें तो मथुरा जी 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 पिंटू बोलिए। तो मथुरा में देश विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है, और जो बाकी विद्या जी को मंदिर के लिए जो दर्शन कर रहे हैं, जो आज का जो नया साल है, हमेशा श्रद्धालु यही कह रहे हैं कि अपना यह नया साल है वो नया साल बड़ी धूमधाम से मना जाए और आने वाले समय में अच्छा पर्व हो हमारा नया। जी जी बिल्कुल पिंटू। और देखिए नए साल को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि भारी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंचते हैं और ऐसे में कृष्ण की नगरी है मथुरा, तो जन्मभूमि पर भी जाहिर सी बात है कि श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे, तो किस तरह के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं सुरक्षा को लेकर? देखिए हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मथुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, मथुरा की पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, किसी प्रकार की चूक देखने को नहीं मिल पाई, हर मंदिरों में सुरक्षा लगा दी गई है, मास्क सैनिटाइज करके श्रद्धालुओं को दर्शन किए जा रहे हैं जी, और पेट्रोल लगातार कर रही है, पेट्रोल कर रही है जी जी ठीक है। पंकज, बांदा की बात करें तो बांदा में आज किस तरह से नए साल का आगाज हो रहा है, क्या बड़ी खबर बांदा से आज मिल रही है? जी नए साल का आगाज हो चुका है, रात को 12 बजे से कुछ इस तरह देखने को मिला कि पटाखों के साथ धूमधाम से नए साल का आगाज किया गया। इसी तरह से पूरे शहर में नए साल की लोग बधाइयों के साथ स्वागत के साथ सबका आदर कर रहे हैं। जी बांदा का यही हाल। बिल्कुल पंकज, और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहां पर? जी प्रशासन की तरफ से ये इंतजाम किए गए हैं कि कहीं ना कहीं कुत्ता जैसे 5 या 10 लोगों से ज्यादा भीड़ न दिखाई जाए, और मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें,
इस तरह से लेकर, चूंकि बांदा में अभी आप ये मानिए कि कोरोना के मरीज बहुत कम है, इसलिए कोरोना से लोगों को भय कम नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब तक भय ना हो तब तक लोगों के अंदर कहीं ना कहीं भय व्याप्त नहीं हो रहा कि इस समय बांदा के अंदर एक भी मरीज को कोरोना का नहीं। तो सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करने के लिए बार बार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। जी ठीक है पंकज। पिंटू, अगर मथुरा में चुनावी रैलियों की बात की जाए तो क्या आज चुनाव को लेकर किसी बड़ी पार्टी की तरफ से, बड़े नेता की तरफ से कोई रैली या फिर कोई कार्यक्रम है? जी आज की हम बात करें तो मथुरा में तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, जैसे कि प्रोटोकॉल, जैसे कि कोविड चल रहा है, कोविड को लेकर मथुरा में आठ केस लक्षण देखने को मिले जो देश विदेश से जो लोग आए, इसीलिए पूरी मथुरा प्रशासन किसी की अनुमति नहीं दी है जैसे कि कोई कार्यक्रम किया जाए। जी जी बिल्कुल, कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन देखिए अगर लोगों की बात की जाए, मथुरा की बात की जाए, तो लोगों में क्या कुछ उनके मन में है, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है, शायद अगले महीने ही चुनाव होंगे विधानसभा के, तो ऐसे में लोगों की किस तरफ झुकाव देखा जा सकता है, उनकी राय क्या है? देखिए हम मथुरा विधानसभा की बात करें, मथुरा विधानसभा में 5 विधानसभा है जी, पांचों विधानसभा में से एक ऐसी सीट है जहाँ माट की, हमने माट की बात करूंगा जी, जहाँ लगातार तो 8 बार श्याम सुंदर शर्मा जी विधायक रह चुके हैं जी जी। और मथुरा का माहौल जो चुनावी भाग चल रहा है, सारी पार्टी अपनी अपनी जोरों पर लगी पड़ी हुई है, सारी पार्टी अपने अपने प्रचारों पर लगी पड़ी हुई है और अपनी तैयारी में जुटी हुई है। कहीं ना कहा हमारा जो आने वाला जो चुनाव है बहुत ही अच्छा हो। जी ठीक है पंकज, बांदा में क्या कोई आज चुनावी रैली होने जा रही है? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं मुख्यमंत्री पहुंच रहे होते हैं, कहीं गृह मंत्री पहुंच रहे होते हैं, तो क्या बांदा में आज कोई कार्यक्रम है? जी मैं आपको बता दूं कि बांदा में इसमें 4 विधानसभा सीट है, जो कि अभी हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रैली हुई थी उनकी, और आज फिलहाल किसी की पूरी रैली नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि सपा और आपका भाजपा, आपकी कांग्रेस, अभी किसी सीटों पर किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया, पर एक बात बड़ी बात यह है कि बीएसपी है अपने तीनों विधानसभाओं में 3 लोगों को टिकट दे दिया और अभी तिवारी विधानसभा अभी बाकी है, तो अभी कोई चुनाव रैली नहीं है। हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ था और उन्हीं की रैली थी जी। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में एक बात है कि कहीं ना कहीं वादे तो किए गए पर कुछ काम ऐसे अधूरे रहे, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि एक विपक्ष के तौर पे सपा ही भाजपा के सामने खड़ी है, बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं। जी बिल्कुल पंकज, और देखिए अगर कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर बात की जाए तो किस तरह से प्रशासन अलर्ट दिख रहा है, क्या गाइडलाइंस लोगों की तरफ से पालन उनका किया जा रहा है, क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी संख्या में हम देखते हैं कि लोग अब भी जागरूक नहीं है, मास्क लोग नहीं लगाते हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, तो उसको लेकर क्या तस्वीर है बांदा की? जी मैं आपको बता दूं कि बांदा में इस समय आपका मैं कोरोना का एक भी मरीज अभी पाया नहीं गया, तो जिससे लोगों के मन में भय नहीं है। ओमिक्रॉन की तो आप बात अलग कर दें, क्योंकि एक भी मरीज अभी बांदा के अंदर कोरोना का नहीं पाया गया, तो कहीं ना कहीं भय भी हो नकली, जैसे लोगों के मन में भय होता है तभी वो सारी चीज़ों को अपने सामने लाता है, आपका सैनिटाइजर इस्तेमाल करेगा, मास्क इस्तेमाल करेगा, तो ये देखते हुए पर प्रशासन ने कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था ठीक की है कि 5-10 लोगों से अधिक भीड़ न लगाई जाए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, और जहां भी मान लीजिए देखा जाता है कि अगर मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उनको सरकारी दफ्तरों पे या मतलब ये मान के चलिए या मंदिरों में ऐसी जगहों पे जाने से रोक है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग करके पूरी व्यवस्था किए हुए। जी ठीक है पिंटू, अगर मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में क्या अस्पताल पूरी तरह से तैयार हैं कोरोना के मामले, क्योंकि जिस तरह से बढ़ रहे हैं पूरे देश में, तो उसको देखते हुए किस तरह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है? क्योंकि हमने देखा था कि जब वायरल फीवर हुआ था, डेंगू के मामले बढ़े थे, तो मथुरा में भी स्थिति ज्यादा खराब थी, वहां पर अस्पतालों में लाइन लगी हुई थी, मरीजों को बेड नहीं मिल रहे थे, तो क्या कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है? देखिए हम फिलहाल की बात कर रहे हैं कोविड को लेकर, अब अस्पतालों में
तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, किसी प्रकार की चूक नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसे कोई लक्षण मिलने हैं तुरंत उनको आइसोलेट में भर्ती किया जा रहा है। जी 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 बिल्कुल पिंटू, और अगर देखिए जी बोलिए, लगातार मतलब प्रशासन जो कोविड के जो मरीज मिल रहे हैं, उनको लक्षण देखने को मिल रहे हैं, उनको तुरंत उनको इलाज दिया जा रहा है और उनकी ये स्वास्थ्य की कामना की जा रही है, जल्दी से स्वस्थ हों। जी बिल्कुल पिंटू, और अगर देखिए मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में 5 साल में कितना विकास हुआ है, वहाँ की जनता का क्या कहना है, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है वहाँ की जो सांसद है हेमा मालिनी, अक्सर वो क्षेत्र में नहीं पहुँचती हैं, मथुरा कभी बहुत कभी कभी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हेमा मालिनी को लेकर भी नाराजगी लोगों में रहती है। लेकिन अगर विधायकों की बात की जाए तो उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है अब चुनाव से पहले? देखिए आपको बता दूं, हमारी 5 विधानसभाएं, 5 विधानसभाओं में से एक विधानसभा ऐसी है मार्च की जिनका बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है, और जाकर 4 विधानसभाओं में बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी विधायक हैं। हमारी भी बात होती है विकास को लेकर, कितना विकास हुआ आपकी बार, क्या अनावलब है, तो आपकी कुछ नाराजगी चल रही है विकास कार्यों को लेकर, जैसे कि कुछ गाँव में विकास कार्य नहीं हुए, आवारा पशुओं से लोग परेशान है, आवारा पशुओं से किसान परेशान है, जो फसलों को नुकसान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको चुनाव बड़ा कांटे का दिख रहा है, मतलब लोगों में नाराजगी है अभी। अभी नाराजगी है जी। ठीक है, अगर पंकज बांदा की बात की जाए तो वहां पर सांसद की और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जानने की अगर हम कोशिश करें तो रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है वहां के विधायकों का? देखिए मैं आपको बता दूं कि सांसद और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड आपको यही कहेगा कि अगर दूर दराज के गांव में आप जाएं तो अभी भी ये मान के चलिए कि अभी भी विकास बहुत पीछे है, तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी जाहिर है कि अगर विकास को लेकर देखा जाए तो कहीं विकास दिखाई नहीं दे रहा, केवल कागजों पर ही विकास हो रहा है और रैलियों में मंच में खड़े होकर मंत्रियों का, विधायकों का, सांसदों का ये संबोधन किया जा रहा है कि विकास बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गांव में जाकर अगर आप देखें तो विकास अभी भी आधा अधूरा पड़ा है, केवल कागजों पर ही उनकी कार्यवाही होती है। जी बिल्कुल, यानी कि ये कहा जा सकता है पंकज के परिवर्तन लोग 2022 में चाह रहे थे, जो वो हो सकता है जी। अब परिवर्तन आप माने तो कम से कम लगभग हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोष व्याप्त है पब्लिक के अंदर, तो महंगाई को लेकर आप उठा लीजिए, चाहे डीजल ले लीजिए, चाहे पेट्रोल ले लीजिए, चाहे गैस ले लीजिए, मतलब कोई भी चीज लीजिए आप, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर रोष व्याप्त है, कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, भाजपा को हटा के सपा पे आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं लोगों पे दिख रहा है, असर दिख रहा है। जी ठीक है, अगर पंकज आपराधिक मामलों की बात की जाए, देखिए उत्तर प्रदेश में क्राइम बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है, ग्राफ कहें तो बहुत ज्यादा ऊपर है, आए दिन लूटपाट की घटनाएं, रेप की घटनाएं, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। अगर बांदा की बात की जाए तो बांदा में क्राइम को लेकर किस तरह का ग्राफ दिखता है? वैसे आपको बता दूं मैं कि बांदा एक ये मान के चलिए बहुत छोटा सा शहर है जी, तो क्राइम तो जितने पहले भी थे वो आज उतने आज भी है, तो कहीं ना कहीं क्राइम में कोई रुकावट नहीं है, वो बराबर चल रहा है, तो लोगों के प्रति आक्रोश तो व्याप्त है कि जो सपा सरकार में था वो भाजपा सरकार में है, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि लोगों का मन इस बार बदलेगा और सत्ता परिवर्तन होने के आसार है। ठीक है पिंटू, अगर मथुरा में बात की जाए, मथुरा में आपराधिक घटनाएं आए दिन सामने आती हैं, कहीं लूटपाट की घटना हो, कहीं रेप की घटना हो, इस तरह की घटनाएं हम देखते रहते हैं कि आए दिन होती रहती हैं, तो ग्राफ क्राइम का क्या कहता है वहां पर? देखिए हम मथुरा की बात करें क्राइम की, मथुरा में जिस तरह जो पहले भी क्राइम था इस तरह अभी भी क्राइम लगातार बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे महिला की समस्या को समाधान नहीं किया जाता, महिला की समस्या को सुना नहीं जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राम सखी कचहरिया जी हैं, हर महीने में एक बार आती है, महीने में एक बार आती है महिला की समस्या सुनने के लिए, एक ही कमरे में बंद होकर महिला की समस्या सुनी जाती है, ना कभी वो थाने बैठ के महिला की समस्या सुनी उन लोगों ने, और ना इसी तरह से महिलाओं के अंदर मथुरा की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है, और पहले भी कई ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी लूट हुई है मथुरा के अंदर, और मथुरा पुलिस ने बहुत जल्द उनका खुलासा किया है जी।
बिल्कुल पिंटू, नाराजगी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मथुरा की महिलाओं में देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार देखिए हम चुनाव की बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं की बात यहां पर कर रही हैं। सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस महिलाओं पर बहुत ज्यादा फोकस कर चल रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, टिकट देने की यहाँ पर बात की गई है, कई दावे किए गए हैं कि महिलाओं के लिए हम इतना काम करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, तो उसको लेकर वहां की मथुरा की जो महिलाएं हैं उनका क्या कहना है? देखिए, हमने मथुरा की महिला की बात करूं, महिला आपके कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। और आने वाले चुनाव में महिला कम से कम प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के बीच में जा सकती हैं। जी ठीक है पंकज, अगर बांदा की बात की जाए, बांदा में महिलाओं का क्या रुख देखने के लिए मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान सरकार में महिलाओं का काफ़ी उत्पीड़न हुआ, तो कहीं ना कहीं जब प्रियंका गांधी बांदा आती हैं तो महिलाओं का एक हजूम उनके साथ चलता है, तो कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता है कि इस बार जो महिलाओं को आगे किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि कांग्रेस पे इस बार महिलाएँ ज़्यादा ही जाएंगी। जी, यानी कि कह सकते हैं कि महिला कार्ड जो यहाँ पर खेलने की चुनाव में कोशिश हो रही है, तो महिलाएं ही गेम चेंजर साबित हो सकती हैं इस चुनाव में? जी बिल्कुल, साबित हो सकती हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं का रिपोर्ट कार्ड बहुत आगे जाने की उम्मीद है, तो प्रियंका गांधी जो अपना रिपोर्ट कार्ड खेल रही है बहुत सही उनका जा रहा है। ठीक है पंकज, यहाँ पर चुनाव की बात हो गई, क्राइम की बात हो गई, अगर अब ठंड को लेकर बात की जाए तो बांदा में किस तरह के प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ठंड अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, नए साल पे पहले ही मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि ठंड के साथ शीतलहर के साथ नए साल की शुरुआत होगी, तो प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों को लेकर, अलाव को लेकर क्या व्यवस्था है? जी यहाँ पर तो अब ये मानिए आपकी, जैसे मान लीजिए दिसंबर का महीना खत्म हुआ, जनवरी आज पहली तारीख है, तो ठंड ज़्यादा है और ठंड के चलते जिला प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था करवाई है, जगह जगह लोगों के लिए कम्बल आदि कटवाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ठीक है पिंटू, मथुरा में प्रशासन किस तरह से इंतजाम कर रहा है बढ़ती ठंड को लेकर? देखिए मथुरा की बात करें, मथुरा में हर वर्ष जो सर्दी को मौसम तेज होता है तो हर वर्ष मतलब रेल बसोरों में लकड़ी की व्यवस्था की जाती है और ठंड से बचने के लिए तमाम साधन दिए जाते हैं उनके लिए, चाहे कम्बल हो। और ज्यादातर हम मथुरा प्रशासन की बात करें, मथुरा प्रशासन पूरी तरीके से रैन बसोरों में साहिब सुविधा उनको दी जाती है, जो लोग मतलब बाहर से आते हैं या रैन बसोरों में जो पड़े हुए हैं मतलब उनके ठंड से रुकने के लिए उनके पूरे साधन बचाव के लिए दिया जाता है। जी ठीक है पिंटू, अगर मथुरा में ग्रामीण इलाकों की ये बात कर ली जाए तो ग्रामीण इलाकों की स्थिति कैसी दिखती है, क्या वहां पर कुछ विकास हुआ है, वहां के जो लोग हैं खुश हैं? देखिए मैं मथुरा की बात करूं विकास कार्यों की तो जी, मैं मथुरा की बात करूं, आवाज जी पिंटू आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। पिंटू मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए ठीक है, शायद कुछ नेटवर्क का इशू है। पंकज आप बताइए, बांदा के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां की तस्वीर क्या कहती है, क्या वहां पर इन 5 साल में बीजेपी की तरफ से कुछ विकास कराया गया है, वहां की जनता का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जब गांव में जाकर हम लोग जाते हैं देखते हैं वहां, तो आपको बता दी जैसा कि योगी सरकार बार बार गौवंशों के लिए चारे घंटे की आदि व्यवस्था गौशाला खुलवाने की व्यवस्था करते हैं, और जाके जब गांव में देखा जाता है तो वहां पर ठंड के चलते या भूख से गौवंशों की मृत्यु हो रही है, पर ये सब मुझे नहीं लगता कि कम से कम किसी गांव में जाकर कोई विकास कार्य बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है। कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि आधा अधूरा ही विकास कार्य पड़ा और काफी उनको भरपूर दिखाया जा रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है पंकज के जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे कि विकास कराया जाएगा, और अब भी बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में खूब विकास कराया गया है, तो कहीं ना कहीं वो गलत भी है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी वैसी तस्वीर है जैसे पहले थी। जी बिल्कुल, तस्वीरें वैसी हैं। मैं आपको और बता दूं, एक बहुत बड़ी बात बता दूं
जैसे शहर मुख्यालय से लगे हुए कुछ गांव होते हैं, जब उन गांव पे मान लीजिए मुख्यालय से कोई 5 किलोमीटर गांव है आपका, तो कहीं 5 किलोमीटर गांव में अगर शहर से मुख्यालय से लगा हुआ 5 किलोमीटर गांव हो उसका विकास नहीं है, तो दूर दराज के गांव में क्या विकास होगा? उस बात का अनुभव आप कर सकते हैं। जैसा कि आप मान लीजिए 25 किलोमीटर कोई ब्लॉक है बांदा जनपद का, तो उन गाँव के अधिकारियों का कोई भ्रमण ही नहीं होगा, न उन गाँव पे किसी मंत्री या किसी विधायक या किसी सांसद तो कभी जाते ही नहीं है, तो कैसे उन गांव के विकास होता होगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस तरह से गौवंशों की मृत्यु हो रही है और योगी सरकार के द्वारा बार बार जिला प्रशासन को आगाह किया जाता है कि गौवंशों की मौतें नहीं होनी चाहिए, विकास कार्य होनी चाहिए, और वो विकास कार्य सारे आपके कागजों में मिलेंगे, धरातल पे आपको कुछ नहीं मिलता। जी बिल्कुल पंकज, और देखिए अगर बांदा में सरकारी स्कूलों सरकारी अस्पतालों की बात कर ली जाए तो वहां पे किस तरह के स्कूलों और अस्पतालों की तस्वीर दिखती है, क्या सुविधाएं सब सही मिल रही हैं? जी जी बांदा जिला अस्पताल आप देखिए कि बांदा जिला अस्पताल में आपका 4 बेड 10 बेड का हॉस्पिटल है, मरीज इस तरह भरे जाते हैं जैसे की जानो तो पूछा जा रहा हो, सारी सुविधाएं वो पब्लिक को नहीं मिल पा रही, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि पब्लिक के अंदर इतना गुस्सा है कि हो सकता है सत्ता परिवर्तन में इस बार पब्लिक पूरा पूरा जोर आजमाइश करे। ठीक है, यानी कि जिस तरह से आप लगातार बता रहे हैं कि लोगों में गुस्सा है, तो मतलब बांदा की जनता जो है परिवर्तन इस बार बिल्कुल चाहती है। ठीक है, पिंटू भी बने हुए हैं लगातार हमारे साथ। चलिए ठीक है, पिंटू से संपर्क टूट गया है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पंकज देखिए, यूपी में हम देख रहे हैं कि कई जिलों में लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, जन आशीर्वाद रैलियां निकाली जा रही हैं और तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो बांदा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जन विश्वास रैली आपकी निकली हाल ही में, केशव प्रसाद मौर्य आए, तो जन विश्वास रैलियों में काफ़ी मात्रा में भीड़ तो दिखी, पर ऐसा लगा कि जैसे उनको इसी तरह पब्लिक को पैसा देकर बुलाया गया, तो मतलब ये कि अंदर से कोई खुशहाली नज़र नहीं आई, और रैलियां तो बहुत की जा रही हैं पर वो चीज़ इस बार दिखाई नहीं दे रही, कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा को तगड़ा झटका न लगे। जी चलिए ठीक है, पंकज आपका और पिंटू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर आज हम श्रावस्ती और मथुरा, माफ कीजिएगा, बांदा और मथुरा की बात कर रहे थे, वहाँ की जनता का क्या कहना है और किस तरह से काम हुआ है या नहीं हुआ है ये जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बांदा में लोगों के मन में कुछ और ही है, नाराजगी है, क्योंकि ना तो वहाँ पर विकास हुआ, जो वादे किए गए थे जो दावे किए गए थे ना ही वो पूरे हुए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं एक तस्वीर ऐसी बांदा से दिख रही है कि इस बार बांदा की जनता परिवर्तन चाहती है, यानी बांदा में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, ये कहा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही फिलहाल के लिए, कल फिर मुलाकात होगी किसी और जिलों के संवाददाताओं के साथ, वहां की तस्वीर जानने की कोशिश करेंगे और वहां पर क्या हलचल है ये जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।